हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएस टेक्नोलॉजी ज्ञान। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी विंडोज़ के लिए आप बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। तो उसका जो फुल प्रोसीड्यूर है स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव हम लोगों को क्यों ज़रूरत है। अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोगों को या तो सीडी के मदद से नहीं तो पेन ड्राइव के मदद से उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आज के डेट में जितना भी पीसी आ रहा है, जितना भी लैपटॉप आ रहा है, उन सब में सीडी ड्राइवर या डीवीडी ड्राइवर जो है वो आजकल रहता नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को एक पेन ड्राइव का ज़रूरत पड़ता है जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। और डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है और पेन ड्राइव से आपका इजीली हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पेन ड्राइव को बूटेबल करने से पहले हम लोगों को दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। एक तो आपका पेन ड्राइव बूटेबल करने का जो टूल है वो चाहिए, और एक आप लोगों का जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो, 9 हो या 10 हो, तो उसका इमेज फाइल चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो पेन ड्राइव का टूल है वो हम लोग कैसे डाउनलोड करें। उसको डाउनलोड करने से पहले हम लोगों को पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आप लोगों को टाइप करना है रूफ़ूस। आप देख सकते हैं रूफ़ूस डाउनलोड, इसमें एंटर कर देंगे। इसका जो पहला लिंक है रूफ़ूस क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव्स द इजी वे, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, उसको स्क्रॉल डाउन करके हम लोगों को नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है रूफ़ूस 3.21, 1.3 MB का रहता है ये, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये मैं पहले ही डाउनलोड करके रखा हूँ तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने से पहले हम लोग पीसी में पेन ड्राइव जो है वो इंसर्ट कर लेंगे। ध्यान रहे जो आप लोगों का पेन ड्राइव है वो मिनिमम 8 GB का हो। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका एक परमिशन मांगेगा, इसमें यस कर देना है। यस करने के बाद कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं मेरा जो पेन ड्राइव है इसमें ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। जो डिवाइस है, डिवाइस के नीचे आप देख सकते हैं मेरा पेन ड्राइव शो कर रहा है। उसके नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा बूट सिलेक्शन। बूट सिलेक्शन में लिखा हुआ है डिस्क और ISO इमेज। यहाँ सिलेक्ट बटन में क्लिक करके हम लोगों को ISO जो इमेज फाइल है वो इसमें सिलेक्ट कर लेना है। आप लोगों के पास अगर ISO फाइल नहीं है विंडोज़ का तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कहाँ से डाउनलोड करना है वो लोग आप लोग देख पाएंगे। जैसे अभी मेरे पास ISO फाइल जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, इसमें देखे तो विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10। अभी फ़िलहाल हम लोग विंडोज 10 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट करेंगे। तो फाइल को सीधा हम लोग इधर डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं फाइल इधर सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आप लोगों को इमेज ऑप्शन मिलेगा, ये स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन ही रहने दीजिए। उसके बाद पार्टीशन स्कीम आएगा, तो इसमें GPT और MBR का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। तो आप लोग देख लीजिए कि
आप लोगों का पीसी का जो हार्ड डिस्क है वो जीपीटी फॉर्मेट में है या एमबीआर में है? जनरली मैक्सिमम जो हार्ड ड्राइव है वो जीपीटी फॉर्मेट में ही पार्टीशन किया रहता है, तो हम लोग जीपीटी को ही क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा पीसी जो है वो जीपीटी का हार्ड डिस्क पार्टीशन पे चल रहा है। और टारगेट सिस्टम जो है, अगर जीपीटी रहेगा तो UEFI में रहेगा, अगर एमबीआर में रहेगा तो वो बायोस में रहेगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो आप लोग उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद फाइल सिस्टम जो है वो NTFS में रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ स्टार्ट बटन में क्लिक कर देंगे। स्टार्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेन ड्राइव जो है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कस्टमाइज विंडोज इंस्टॉलेशन का एक नोटिफिकेशन आया है। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, यूजर नेम लेने हुए रहने देते हैं, ओके कर देंगे। उसमें एक वार्निंग आया है, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं पहले ही बोला हूँ, जो पेन ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो शुरू होना कंप्लीट हो गया है। ये जो ISO फाइल है वो कॉपी हो रहा है, आप देख सकते हैं 1.1% का टाइमिंग अभी दिखा रहा है। ये पूरा प्रोसेस में करीबन आपका 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है। आप इस प्रोसेस से कोई भी विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने पेन ड्राइव में डाल के पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, और उसके बाद उस पेन ड्राइव से किसी भी पीसी या लैपटॉप में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जब तक ये फाइल लोडिंग होता है तब तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाके इसमें टाइप करना है गेट इनटू पीसी। तो गेट इनटू पीसी में जैसे ही जो आपका पहला लिंक है getintopc.com, उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें सॉफ्टवेयर का डिटेल्स आ जाएगा। आपको इन फ्यूचर किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर ज़रूरत है तो ये वाला साइट से आप लोगों को मिल जाएगा। अभी हम लोगों को जैसे विंडोज़ का ISO फाइल चाहिए, तो इसमें आप लोग एक सर्च बार देख सकते हैं। सर्च बार में हम लोग टाइप करेंगे विंडोज़ टेन। आप लोगों को अगर विंडोज 7 चाहिए, 8 चाहिए, ये 9 चाहिए या 11 चाहिए, तो जो भी चाहिए आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें टाइप करके सर्च कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं विंडोज 10 का जितने भी वर्जन है वो इसमें आ गया है। तो जैसे विंडोज 10 एंटरप्राइज है, ये हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। डाउन स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। डाउनलोड 64 बिट का आपका विंडोज जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जैसे हम लोग क्लिक करेंगे और एक प्लेस खुल खुल जाएगा, तो इसमें जो है लोडिंग दिखा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे हम लोगों का जो फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये 3.3 GB का है। तो ऐसे आप अपना इमेज फाइल डाउनलोड कर पाएंगे।
तो फिलहाल हम लोगों का इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। हमारा जो ISO फाइल है वो 38% हो गया है कॉपी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट होने वाला है। तो 99% हम लोगों का हो गया है। हम लोगों का प्रोसेस जो है अभी कंप्लीट हो चुका है। ये फुल प्रोसेस में हम लोगों को करीबन 19 मिनट्स का टाइम लगा है। आप लोग नीचे देख सकते हैं, इसमें टाइमिंग दिखा रहा है 18.58 मिनट्स। तो अभी जो हमारा पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो चुका है, और इसमें विंडोज 8.1 जो है वो कॉपी हो गया है। तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करके अभी देखेंगे हम लोगों का पेन ड्राइव जो है वो रेडी हुआ कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग माई कंप्यूटर में जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं विन 8.1 जो है हम लोगों का इधर नाम जो है चेंज हो गया है। पहले जो नाम था वो उसमें जून लिखा हुआ था, और ये करीबन आपका 3.5 GB का आसपास मेमोरी कवर किया है। तो जैसे ही आप अपने पीसी या लैपटॉप में इसको इंस्टॉल करने जाएंगे, तो बूट मेन्यू में जाके आप पेन ड्राइव जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली बूटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।